हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करेंगे डीपीपी नंबर 1 के ही A3 थर्ड प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। दो प्रॉब्लम हम लोग जस्ट पहले देखे हैं, अब थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है। देखो, थर्ड प्रॉब्लम में सीधा सीधा लिखा हुआ है, और लिखा हुआ दिख रहा है आप सबको कि लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि भाई देयर आर फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स। क्या लिखा हुआ है? देर आर फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स, इन हाउ मेनी वे दे कैन बी सीट इन अ रो। पहली बात है, इसका जो बोला हुआ है कि भाई जो भी लोग यहाँ बैठने वाले हैं वो सारे के सारे लोग कैसे बैठने वाले हैं, तो एक रो में बैठने वाले हैं। जितने भी लोग बैठने वाले हैं वो कहाँ बैठने वाले हैं? एक रो में। तो देखो, चार पहली बात के लिए बोला है कि भाई चार बॉयज हैं। मैं अगर बॉयज का नाम लिखूंगी कुछ, एक B1 है, एक B2 है, एक B3 है, एक B4 है, तो चार बॉयज जो हैं वह कुछ इस तरह के हैं, और फोर गर्ल्स हैं। तो चार अगर गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो ये हो गई, आप मैंने थोड़ी देर के लिए कहूँ तो G1, G2, G3 एंड G4, ये चार लड़कियां हैं कुल मिला के। मैं इनका बस ऐसे ही नाम दे दिया रैंडम, ताकि हम लोग आगे इस पे डिस्कशन कर सकें। अब पहली बात बोला है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। पहले बात बोला है कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जैसे चाहे वैसे आप इन बच्चों को एक रो में बैठा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनको बैठाने के लिए, उस केस में अगर देखा जाए कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मटेरियल, टोटल नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स की बात करें, या टोटल नंबर ऑफ लोगों की बात करें, तो कितने लोग हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ? तो टोटल नंबर ऑफ जो लोग हो गए वो हो गए टोटल नंबर ऑफ लोग 8 हो गए, क्योंकि चार लड़कियां चार लड़के। अब इसमें कोई कह रहा है कि पहले सवाल में कह रहा है कोई भेदभाव नहीं करना है, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना है, जैसे है वैसे आप उनको बैठा दीजिए। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो ये गलत है उनके साथ, पहले सवाल में ये बोला हुआ है। मतलब हमें ये बात देखनी है ध्यान से यहाँ पे, पहले सवाल में, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो चार बॉयज चार लड़कियां अलग अलग नहीं है। इस बार सिर्फ एक, इस बार इसके लिए 8 आइटम की तरह ट्रीट होंगे, और 8 चीजों को, यानी 8 लोगों को एक रो में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के एक रो में बैठाने का नंबर ऑफ वे हो जाएगा। जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो नंबर ऑफ वे हो जाएगा सिंपल 8 फैक्टोरियल। बात समझ में आया? दूसरा क्या बोला है कि नॉट ऑल गर्ल्स सीट टुगेदर। देखिए, ये बोला है कि सभी की सभी लड़कियां एक साथ ना बैठें, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा कि नॉट ऑल गर्ल, क्योंकि भाई लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो बात करेंगी, इसलिए मना किया जा रहा है कि नॉट ऑल गर्ल्स सीट टुगेदर, सब लड़कियां एक साथ ना बैठें, उसके लिए कितना तरीका हो जाएगा? तो हमने कहा कि टोटल माइनस टोटल में से सभी लड़कियां एक साथ बैठे, उसका आप माइनस कर दो। क्या करो आप? टोटल जितना तरीका होगा, टोटल उनमें से जो लड़कियां एक साथ बैठेंगी उनको आप माइनस कर दो, और जैसे ही आप उनको माइनस करोगे तो वो हो जाएगा, वो बचेगा जो लड़कियां एक साथ बैठ सकती थी, यानी बस वो बचेगा जो लड़कियां एक साथ सारी लड़कियां एक साथ ना बैठे। इसमें ऐसा हो सकता है कि 3 लड़कियां एक साथ बैठ जाएं, 2 लड़कियां एक साथ बैठ जाएं, लेकिन चारों के चारों लड़कियां एक साथ ना बैठे, तो ये माइनस कर लिया गर्ल्स सिट टुगेदर, सारे की सारी लड़कियां एक साथ ना बैठे। अब अगर हमको यहाँ पे टोटल तो यहाँ पे निकाला जा चुका है, अब अगर हम यहाँ पे निकालें कि गर्ल्स सिट टुगेदर क्या हो जाएगा, सारी लड़कियां एक साथ बैठे, तो देखिए आप क्या करेंगे, सभी लड़कियों को एक डब्बा में बंद कर देंगे, जो भी ये G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, इसको बोलते हैं भाई स्ट्रिंग एंड बांधने वाला मेथड। मतलब सबको एक आपने डब्बे में बंद कर दिया। अब जैसे ही सबको एक डब्बे में बंद किया तो क्या मिला यहाँ पे, जैसे ही आपने बंद किया और बाकी जो बच्चे लड़कों उनको आप खुला छोड़ दिया, क्योंकि इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो B1, B2, B3, B4। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आइटम यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, तो यहाँ पे 5 आइटम दिखने लगे, क्योंकि ये एक डब्बा, एक अकेला, जब चूंकि सारी लड़कियां एक साथ बैठाना है, तो इन सबको कहीं शिफ्ट करेंगे तो कहीं भी इकट्ठे जाएंगे, जहां इकट्ठे रहेंगे तब कहेंगे, कहा जाएगा कि एक साथ बैठी हुई है।
टोटल 5 आइटम हो गया। इन 5 आइटम को अरेंज यानी बैठाने का तरीका, या इनको एक इनको किसी रो में बैठाने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू। जो ये डब्बा के अंदर 4 लड़कियां हैं, क्या वो भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं कि कोई G1 की जगह पे G2, G2 की जगह पे G3, G3 की जगह पे G4, G4 की जगह पे G1 बैठी हुई है। मतलब अपनी पोजीशन कितने तरीके से चेंज कर सकती हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 तरीके से अंदर की लड़कियां, और ये पूरा एक रस्सी से बांध दिया स्ट्रिंग मेथड में। तो ये पूरा ये 5 आइटम को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पे क्या आया, देयर फॉर आंसर हो गया नॉट ऑल गर्ल सीट टुगेदर। इसका आंसर हो गया टोटल की वैल्यू है फैक्टोरियल 8 माइनस सारी लड़कियां एक साथ बैठने वाले को हमने माइनस कर दिया, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि नो टू गर्ल्स आर सीट टुगेदर। जहां पे इस तरह का बात बोले कि कोई भी दो लड़की एक साथ ना बैठे, इसका तरीका होता है बच्चे लोग गैप मेथड, स्ट्रिंग एंड गैप। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे गैप मेथड कि भाई गैप में भरना, और यहाँ पे लगाया हमने कौन सा मेथड, स्ट्रिंग मेथड कि भाई सारे लड़कियों को जो भी जिनका जिनके ऊपर कंडीशन थी उनको एक साथ हमने बंद कर दिया, बांध दिया। अब गैप मेथड क्या बोला है, तीसरा सवाल बोला है नो टू गर्ल सिट टुगेदर। तो क्या करेंगे, हमारा अरेंजमेंट क्या होता है इसके लिए, पहले हम लड़कों को बैठा लेंगे B1, B2, B3, B4, 4 लड़कों को बैठा लिया। इन 4 लड़कों को बैठाने का तरीका यहाँ पे फैक्टोरियल 4, इन 4 को बैठाने का इनटू। अब कितना गैप क्रिएट हुआ, देखो एक गैप ये है, 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 टोटल 5 गैप क्रिएट होगा। अगर इन 5 गैप में कोई भी, अगर कोई लड़कियों को आप बोल दो कि जाओ इन सिर्फ 5 गैप में बैठना है, तो अब इसमें क्या होगा, कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं होगी, उनके बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई लड़का होगा। हो सकता है कि दो लड़के एक साथ इस कंडीशन में आ जाएं, लेकिन लड़कों के एक साथ आने पे कोई हमको पाबंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो वहां पे है जहां पे दो लड़कियां एक साथ ना हो। तो क्या करेंगे हम लोग, जो जो गैप बना है उस गैप में पहले लड़कियों को भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे समस्या हो गई, गैप है 5 लड़कियां हैं 4, मतलब 5 में से 4 लड़कियों को बैठाने का तरीका, यानी पहले लड़कियां वो गैप सेलेक्ट करेंगी, यानी 5 में से 4 गैप सेलेक्ट होगा कि कोई भी 4 गैप क्या हो सकता है, यानी 5C4 इंटू लड़कियों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4। ये बॉयज को बैठाने का तरीका, ये आपका क्या है कि 4 गैप आउट ऑफ 5, और ये हो गया गर्ल्स को बैठाने का तरीका। तो ये टोटल तरीका हो गया फैक्टोरियल 4 इंटू 5, 5C4 की वैल्यू 5 होती है, इंटू फैक्टोरियल 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है बच्चे लोग, फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम दिया है कि ऑल बॉयज सीट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स सीट टुगेदर। फिर से स्ट्रिंग मेथड, फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड लग गया बच्चे लोग। क्या कह रहा है कि सारे लड़के एक साथ आके बैठ जाए और सारी लड़कियां एक साथ आके बैठ जाए। मतलब अगर सारे लड़के एक साथ बैठने हैं तो सभी लड़कों को एक रस्सी में बांध दीजिए, B1, B2, B3, B4, B5, या एक बक्से में बंद कर दीजिए और इस बक्से में कुर्सी लगी पड़ी है, सारी लड़कियां एक साथ बैठी हैं, तो ये G1, G2, G3, G4, G5, G4 तक ही जाना है, G5 तक नहीं जाना है, ना ही तो B5 तक जाना है। तो सबसे पहले अपने पास 2 डब्बे हो गए। अब ये 2 डब्बा है तो पहले लड़के बैठ सकते हैं बाद में लड़कियां, या पहले लड़कियां बाद में लड़के। मतलब इस 2 डब्बे को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, फिर इन लड़कों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, फिर इन लड़कियों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या क्या हुआ यहाँ पे। हो सकता है कि लड़के साथ इकट्ठे बैठ जाएं फिर लड़कियां बैठें, एक तरीका, या ये हो सकता है कि सारे लड़कियां पहले बैठ जाएं फिर लड़के बैठे, दूसरा तरीका। अब इसमें होगा क्या, क्या
कि अगर सारे लड़के बैठेंगे तो चार लड़कों के बैठने का तरीका फैक्टोरियल फोर, फिर चार लड़कियों के बैठने का तरीका फैक्टोरियल फोर, फिर लड़के लड़की अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज करने के लिए फैक्टोरियल टू आया हुआ है। बात समझ में आया? अगला सवाल बोला हुआ है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर सीट अल्टरनेटिवली। बेटा इसमें बड़ा अंतर है, इस वाली बात में और ये इस वाली बात में अंतर है कि ये अलग चीज लिखा है, ये अलग चीज लिखा है। अब अगर हम देखें तो जो बोला है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर सीट अल्टरनेटिवली, इसका मतलब आपके पास एक चॉइस ये हो गई कि आप देखिए क्या क्या आपके सामने क्या किस तरह का सिचुएशन, कैसे सिनारियो क्रिएट हुआ कि भाई एक लड़का, फिर तो लड़की आनी चाहिए, फिर लड़का तो फिर लड़की आनी चाहिए, फिर लड़का तो फिर लड़की आनी चाहिए, फिर लड़का तो फिर लड़की आनी चाहिए। मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, या दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि भाई अगर पहले लड़की से शुरू हुआ तो फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का B2, फिर लड़की G3, फिर B4, फिर G5, सॉरी ये B3, फिर G4 तो B4, ये हो सकता है। इस वाले में अब ये जो चारों लड़कियां हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं, मतलब फैक्टोरियल चार तरीके से पोजीशन चेंज कर सकती हैं, जो लड़के हैं वो भी अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये तो एक अरेंजमेंट हुआ। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई ये B1 B2 B3 अपना पोजीशन चेंज कर लें, वो दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उसका भी तरीका फैक्टोरियल चार हो गया। वैसे यहाँ भी लड़कियां अपनी देखो ऊपर वाले में केस में क्या हुआ, शुरुआत जैसे जब आप देखने जाओगे तो शुरुआत लड़कों से हुई रहेगी, तो आप बोलोगे कि पहले लड़का है फिर लड़की है, दूसरा वाला देखने जाओगे तो उसमें शुरुआत लड़की से रहेगी, तो आप बोलोगे कि शुरू लड़की से है फिर लड़का है, यानी लड़की से शुरुआत है, एक में लड़का से शुरुआत है, तो इसका हो गया फैक्टोरियल चार इंटू फैक्टोरियल चार। अब दोनों को जोड़ दो आंसर, भाई दोनों का तरीका अलग अलग है तो दोनों को जोड़ दो, फैक्टोरियल चार इंटू फैक्टोरियल चार प्लस फैक्टोरियल चार इंटू फैक्टोरियल चार, आंसर हो गया फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल फोर, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चारों प्रॉब्लम। ये चौथी प्रॉब्लम, जो पांचवी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, इसमें आपका पुराना किसी भी चीज़ का कनेक्शन नहीं है, बस ये बोला था कि भैया लड़के लड़कियां अल्टरनेटिव नहीं मतलब लगातार बैठे हों, इसका आप ध्यान दे दे। बात समझ में आया? तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर तीन कर लिया। अब बढ़ेंगे A4 पे, प्रॉब्लम नंबर फोर, DPP4 का A4 पे बढ़ेंगे, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, बोलो एक बार जोर जयकारा लगा दो कि ठीक है सर, बिल्कुल जयकारा लगा दो जोर से कि ठीक है सर। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं A4 पे, चलो।